जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पुर्तगाल में काम करने का बहुत अच्छा आपके पास अपॉर्चुनिटीज है। वहाँ का TRC कार्ड हम जो है दिलवाने में आपकी पूरी हेल्प कर सकते हैं, ना बल्कि हेल्प कर सकते हैं बल्कि वहाँ पे आपको काम भी दिलवा सकते हैं। हमारे वहाँ पर ऑलरेडी एक जो है रिप्रेजेंटेटिव है जो वहाँ की सिटीजनशिप है, तो उनसे हमारा टाई अप है। आपको जो है जो भी आपको अगर जाना चाहते हैं, आप स्टूडेंट हैं या कुछ भी काम करते हैं, तो 1 लाख तो आपकी मिनिमम सैलरी वहाँ पर रहेगी ही, और क्योंकि वहाँ की कंडीशन है तो बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास है। और जो भी सर्विस चार्ज है वो आपसे देखिएगा, सर्विस चार्ज मतलब आपसे आधा जब आपका वीज़ा टिकट आपके पास आ जाएगा तब लेने देने का है आपको, और आधा जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे तब देने का। यहाँ से बाकायदा आपको जो है कॉन्टैक्ट पेपर बना के दिया जाएगा, और उसी के अकॉर्डिंग आपको वहाँ जॉब भी मिलेगी, और TRC कार्ड 3 साल का आपको मिलेगा। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास है। और इसकी अगर मैं जो हूँ बात करूँ सर्विस चार्ज की, तो सर्विस चार्ज देखिएगा, जो आधा मैंने बताया वो वीज़ा और टिकट जब आपके हाथ में आ जाएगा तब देना है आपको, और आधा जो है आप जब आपका जो मतलब ये मतलब आपको वहाँ पुर्तगाल पहुँच जाएंगे तब देने का। 1 लाख मिनिमम सैलरी रहेगी आपकी वहाँ पर, और TRC कार्ड 3 साल का मतलब 2 महीने के अंदर आपका TRC कार्ड बन जाएगा। उसके बाद क्या है कि आप वहाँ पर मतलब वहाँ पर जो है आप इस TRC कार्ड से यूरोप के किसी भी कंट्री में आ जा सकते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास है। मैंने यही वीडियो बनाने का मेरा मोटिव यही है कि आप लोगों को ये बता दूँ कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास है। आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो नीचे दिए गए ईमेल पर ईमेल कीजिएगा, या व्हाट्सअप मुझे कर सकते हैं, और व्हाट्सअप करके मुझसे जो है आप पूछ सकते हैं जो कहे आप चाहे कुछ भी रहते। देखिएगा इसका जो सर्विस चार्ज है वो जो है 6 लाख है। 6 लाख में यह है कि 3 लाख आप जब वीज़ा टिकट आपके हाथ में आ जाएगा तब देना है, और 3 लाख जब आप जो है वहाँ पहुँच जाएंगे पुर्तगाल में तब देने हैं। हमारी पूरी गारंटी आपको यहाँ से कॉन्टैक्ट पेपर बना के दिया जाएगा, जिसमें कि आपको जो है बताया जाएगा कि भाई आप जो है वहाँ पर आपको ये काम मिलेगा, और TRC कार्ड हम जो है वहाँ पर दिलवाएंगे, ठीक है। और शुरू में जैसे कि आप जो वीज़ा फॉर्म है वो मैं भेजूंगा, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, उस पर आपको वो खाली साइन करके भेजना है, डॉक्यूमेंटेशन जो भी है मैं आपको भेज दूंगा, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या मुझे जो है बता सकते हैं, ठीक है। तो ये थी कुछ जानकारी पुर्तगाल से रिलेटेड, बहुत ज़्यादा मेरे पास क्वेश्चन आ रहे थे, तो यही हमारा प्रोशेड्यूल है। तो आपको समझ आ गया होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा फिर हाजिर होऊंगा। और शुरू में देखिएगा आपका पासपोर्ट हमें चाहिए एज ए सिक्योरिटी, आप जो है पैसा जो है दे सकते हैं कुछ एज ए सिक्योरिटी, कुछ भी आप जो है यहाँ पर जमा कर सकते हैं। आपका पासपोर्ट हमें चाहिए, और कुछ जो है इनिशियली अमाउंट होता है वो आपका जब मैं फॉर्म दूंगा वो फॉर्म भर के भेजना पड़ेगा, तब आपको देना है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा फिर हाजिर होऊंगा। तब पर अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा, जिन व्यूवर्स ने क्वेश्चन पूछा था उनके क्वेश्चन का रिप्लाई मिल गया होगा। मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा फिर हाजिर होऊंगा, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, हैव ए नाइस डे।